इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर हमेशा अवाम के बीच में रहती है, अवाम का काम करती है। हर गवर्नमेंट की जो स्कीम है, हम चाहते हैं कि अवाम तक पहुंचे। इसी का एक कड़ी का ये उसी का एक नतीजा ये है कि इससे पहले हमने उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री की योजना थी, तो हमारे पास में अंबर गैस एजेंसी के माध्यम से शफी सेठ के साथ में रह के हमने 1000 गैस किराड़ पर के अंदर हमने फ्री ऑफ बांटे हुए। तो उसी में एक अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली मुख्यमंत्री ने कि भाई हर घर में 3 गैस सिलेंडर अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 गैस जो दिया जाएगा साल में 3 गैस, तो वो एक स्कीम है। तो उसके वजह से हमने यहाँ पे इनके अंबर गैस एजेंसी के माध्यम से उनकी KYC कराने का हमने एक निर्णय लिया। दो मिनट की बात है खाली, जो अहम बात है आपको। हेलो आपको गैस तो ले लिए, मगर उसको यूज कैसा करना उसका तरीका आपको बताया जाएगा। और गैस पे अगर कुछ लीकेज होता है तो उसके लिए क्या करना उसके बारे में हमारे ये कलीम बताएंगे आपको। अगर आपके घर में गैस अगर गैस की बो आती है, तो आपके घर में अगर लाइट चालू है तो आप लाइट चालू रखेंगे कि बंद करेंगे उसको? ना बंद करना है या चालू करना है? गलत है वो, अगर चालू है तो चालू रहने देना है, बंद है तो बंद रहने देना है। उसको चालू करे तो जरा सी चिंगारी निकलती खटके में से, वो भी उससे भी हादसा हो सकता है। ये मेन खास बात है आपको कि जब भी गैस लीक होता है, लाइट चालू है तो चालू रखने का है, बंद है तो बंद रखने का है। उसको खटके को कोई इलेक्ट्रिक खटके को हाथ नहीं लगाना है। और ऐसा होता है तो पहले जो खिड़की दरवाजे है तो उसको खोल देने का है, बाकी इलेक्ट्रिक की कोई चीज रहे तो उसको हाथ लगाने नहीं है आपको। बोलाओ
ऐसा पिछले ये जो है ना वो भी आ रहा अस्सलाम वालेकुम। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर हमेशा अवाम के बीच में रहती है, अवाम का काम करती है। हर गवर्नमेंट की जो स्कीम है हम चाहते हैं कि अवाम तक पहुंचे। इसी का एक कड़ी का ये उसी का एक नतीजा ये है कि इससे पहले हमने उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री की योजना थी तो हमारे पास में अंबर गैस एजेंसी के माध्यम से शफी सेठ के साथ में रह के हमने 1000 गैस किराड़ पर के अंदर हमने फ्री ऑफ बांटे हुए। तो उसी में एक अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली मुख्यमंत्री ने कि भाई हर घर में 3 गैस सिलेंडर अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 गैस जो दिया जाएगा साल में 3 गैस, तो वो एक स्कीम है। तो उसके वजह से हमने यहाँ पे इनके अंबर गैस एजेंसी के माध्यम से उनकी KYC कराने का हमने एक निर्णय लिया। KYC कराने में हमारे लोग बहुत थोड़े से पीछे थे, इसलिए अंबर गैस एजेंसी के शफीक भाई ने हमसे बात की, हमने उनसे रब्ता किया, हमने दोनों ने मिलके यहाँ पे कैंप किराड़पुरा वार्ड नंबर 42 पानी के बम्बे के पास में किया जा रहा है। ये सुबह 10 बजे से 3 बजे तक के 28 तारीख बरोज बुध 2024। तो ये आपके माध्यम से हम ये पूरे शहर को बताना चाहते किस किसी का भी अगर उज्ज्वला योजना में गैस है कहीं का भी है उन्होंने अपने वहाँ पे जाके KYC कराना बहुत ज़रूरी है। KYC करेंगे तो आगे आके स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ये हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM हमेशा हम लोगों के काम में है, लोगों के हित में काम करते हैं। इससे पहले आपने देखे उज्ज्वला गैस योजना भी हमने करे, हमने घर कुल का भी करे, हमने मेडिकल कैंप का करे और सारे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा तुम्हारे लाडली बहन का वो भी करे। तो ऐसे और भी जो भी स्कीम आएंगी गवर्नमेंट की हम कोशिश करेंगे, हमारे MIM की कोशिश रहेंगी कि वो चीज़ हम लोगों तक रोड तक उनके घर तक पहुँचाए। मैं इसा खान सांडू खान, मेरी वालदा यहाँ की नगर सेवक है नसीम भी हजी सांडू खान। ये अपने पास में एक ही दिन है, एक ही दिन का कैंप है और जिसका भी जो नहीं हुआ एक दिन में उन्होंने अपने अपने जहाँ भी गैस लाते वहाँ जाके उनका KYC कराना काम अले ये करना पड़ेगा। अगर कोई एजेंसी वाला अगर नहीं कर रहा KYC नहीं कर रहा औरंगाबाद में कोई भी कोने में तो आपसे दरखास्त है इस चैनल के माध्यम से आप मुझे बोलिए, नहीं तो हमारे MIM के कोई भी कार्यकर्ता को बोलिए या कारपोरेटर को बोलिए आपको हम जाके उसका KYC करा के फ्री ऑफ चार्ज में करा के देंगे। अगर कोई एजेंसी नहीं करा रहा तो वहाँ से फ़ोन मारिए, हमारे कोई भी नेता को मारिए, कोई भी कारपोरेटर को मारिए और मुझे भी करिए तो हम लोग आपका KYC करा के देंगे इंशाल्लाह। सर आज क्या कहेंगे? आज हमें इसाक साहब के वार्ड में किराड़पुरा में बम्बे के पास में आज EKYC एज सेफ्टी क्लीनिंग का इनेकाद करे थे। सेफ्टी क्लीनिंग बोले तो जो आधे से हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ लोगों को पब्लिक को मालूम दी है और EKYC इसलिए कर रहे हैं, EKYC कराना इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साल में 3 सिलेंडर फ्री का अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है तो उनको 3 सिलेंडर फ्री देने का वायदा किया है तो उसके तहत उनको अपना KYC कराना बहुत जरूरी है।
तो हमें यहाँ ई के वाई सी के भी हिसाब भाई के वजह से हमें यहाँ ई के वाई सी का इनेखात किए है। यहाँ कैंप रखे हैं, यहाँ बच्चे बैठे हमारे, दो दिन हमारे बच्चे और यहाँ रहेंगे, और जितने भी गेस्ट ग्राहक है हमारे अंबर गेस्ट के, उनका ई के वाई सी यही कर किया जाएगा। सर अभी देखा गया है कि अभी सुरक्षा के कुछ इंतजाम कैसे रहते हैं, सुरक्षा कैसी की जाती है, उसके बारे में भी अभी बताया गया, उसके बारे में क्या है? सुरक्षा का बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, खास तौर के सलम एरिया में। वो ऐसा करते हैं कि अपना सिलेंडर और गैस सिगड़ी नीचे रख लेते हो, जबकि सिलेंडर नीचे रहना चाहिए और 1.5 फीट के ऊपर सिगड़ी रखना चाहिए, क्योंकि अगर गैस लीक होती है तो वो हवा में नहीं उड़ती है। LPG ऐसी गैस है कि वो जमीन पे बैठती है, वजनदार गैस है वो, तो अगर आप सिगड़ी और सिलेंडर बाजू बाजू रखे, अगर लीकेज होता है तो वो बड़ा हादसे का कारण बन सकता है, तो उसके बारे में बताया हमने। और दूसरा ये बताया कि गैस अगर लीकेज होता है तो आप अगर घर में लाइट चालू है तो चालू रहने दो, बंद है तो बंद रहने दो, और गैस लेते वक्त अपना डिलीवरी मैन से आप रेगुलेटर लगा के घर में आने लेके लो। और हमने अभी फ्री में हर घर घर जाके सेफ्टी क्लीनिंग का भी इनेखात की है हमने, तो आप उस पर तौन करो। जो कस्टमर है कि हमारा जब लड़का आता है तो उससे आप सेफ्टी के बारे में, जो सुरक्षा का वो चालू है हमारा सप्ताह चालू है, तो उसमें आप उसमें टाउन करो और हर घर घर जाके उन्हें चेक कर रहा है, तो आप अंदर उसको घर में लेके किचन में ले आके उसको आप पूरा अपना गैस का पूरा सिगड़ी चूल्हा रेगुलेटर रबर ट्यूब का चेक करा उसको, क्योंकि वो डाटा पूरा भी हम ऑनलाइन डाटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं और उसको ऐप दिए है बच्चे को, ऐप के थ्रू आपके पास आके सुरक्षा का इंस्पेक्शन करेंगा। मैं शफीक खान, प्रोपरेटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। धन्यवाद।